स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णावा ज्वेलर्स मोती बाजार मंडी, सोने से चमकाएं अपनी खूबसूरती। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति को सरकार द्वारा सेवा विस्तार देने को लेकर एनएसयूआई ने विरोध जताया है। इसको लेकर आज एनएसयूआई ने चौड़ा मैदान से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र आक्रोश रैली निकाली। इसमें सैकड़ों की संख्या में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष छत्तर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने एक अयोग्य व्यक्ति को यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया है और अब सेवा विस्तार भी दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि एचपीयू प्रशासन अभी तक 2015 के छात्रों के लिए रीअसेसमेंट की प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया है। सर, पहले तो सबसे पहले हमारी जो डिमांड है वो भ्रष्ट कुलपति को जो सेवा विस्तार दिया गया, जो अयोग्य है, विश्वविद्यालय में आरएसएस के निक्करधारी लोगों को भर्ती कर रहा है, बैकडोर एंट्री दे रहा है। कई जगह ऐसी है हिमाचल विश्वविद्यालय में जहां पे काम लगा हुआ, उद्घाटन पहले ही हो चुका है। यूनिवर्सिटी में ढंगे की खस्ता हालत है, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन मूर्तियों पर खर्च कर रहा है। इसके अलावा जो मुख्यतः छात्रों की जो मांगे हैं, छात्रों की मांगों को लेकर आए हैं, 2015 के जो छात्र हैं उनका पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, रीअसेसमेंट का पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, और ईआरपी सिस्टम जो है, ईआरपी सिस्टम की जो धजिया उधेड़ दी है। कई जो बच्चे आज रिजल्ट अपना पता करते हैं, आज पास होते हैं, अगले दिन फिर से ओपन करते हैं तो फिर से फेल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो विश्वविद्यालय पेपर को भी आउटसोर्स कर देता है, पेपर चेकिंग को, तो क्या कार्य प्रणाली है जहाँ पे एक अयोग्य कुलपति जिस विद्यालय पर बैठेगा उस विद्यालय का बुरा हाल होगा। आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का लगातार स्तर गिरता जा रहा है। इसका कारण यही है कि हम अयोग्य लोगों को विश्वविद्यालय में जगह दें। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।